बालाघाट मुख्यालय में सर्व आदिवासी समुदाय ने संयुक्त रूप से जंगी प्रदर्शन किया, धरना दिया और विशाल रैली निकाली। कांटेदार तार की फेंसिंग करके ग्रामीण जनों के निस्तार और पशु चराई से रोक लगाई जाती है और उन्हें अपने अधिकार से वंचित किया जाता है, जबकि सरकार ने वन अधिकार अधिनियम 2006-2012 बनाया है, लेकिन अभी तक उस पे वन विभाग कुछ प्रकार का अमल नहीं कर। पिछले माह पुलिस व नक्सलियों की मुठभेड़ में झाम सिंह नाम के आदिवासी की मौत हो गई थी। झाम सिंह ग्रामीण है और उसकी मौत पुलिस या नक्सली की गोली से हुई, इसकी जांच जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा मजिस्ट्रियल जांच की जा रही है। राज्य स्तर पर सीआईडी इसकी जांच कर रही है, लेकिन आदिवासी समाज इस जांच से संतुष्ट नहीं है। वे चाहते हैं इसकी जांच सेवानिवृत्त जज की कमेटी द्वारा की जाए। हमारी मांग न्यायिक जांच में यह है कि या तो हाईकोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से हाईकोर्ट के उसमें हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, या कोई जज हो, रिटायर्ड जज हो, उनके नेतृत्व में जांच हो तो ज़्यादा पारदर्शिता रहेगी और ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट आ पाएगा। क्योंकि इसके पहले जो जांचें हुई हैं, जो इन्होंने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश किए, एडिशनल कलेक्टर को जो जांच के आदेश किए, उसमें परिणाम नहीं निकला, वो शासन के पक्ष में ही जवाब बना के दे देते हैं, तो इसलिए हम लोग उस जांच से संतुष्ट नहीं हैं। पुलिस अधीक्षक को हटाने और पुलिस पार्टी पर हत्या का अपराध दर्ज करने, परिवार के दो सदस्यों को नौकरी और 1 करोड़ का मुआवजा देने की ये मांग कर रहे हैं। हमारी मांगे 2 लोगों की नौकरी, परिवार के 2 लोगों को नौकरी है और 1 करोड़ रुपए मुआवजा है। एक को नौकरी मिल गई, एक को यहाँ भी प्रशासन देने तैयार है, लेकिन जो मुआवजे की राशि है ये यहाँ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट देखिए, घटना कहाँ की है, मध्य प्रदेश सरकार की, मध्य प्रदेश की भूमि पर घटना घटी है, और छत्तीसगढ़ हम मध्य प्रदेश सरकार से आगे निकल के उनको नौकरी भी दे रही है, उनको 4 लाख रुपये मुआवजा भी दे दी, जबकि घटना यहाँ की पुलिस ने की है, घटना स्थल यहाँ का है, तो यहाँ की सरकार को, यहाँ के प्रशासन को ज़्यादा उस पर कारगर काम करना चाहिए था, हमारी मांगों पे गौर करना चाहिए था। जो जान गई है वो तो नौकरी और उन सारी चीज़ों से पूर्ति नहीं की जा सकती है, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन ये एक राहत है परिवार को कि कम से कम मुखिया के जाने के बाद परिवार अच्छे से रह सके, परिवार का जीवन यापन अच्छे से हो सके, ये एक राहत है। बाकी हमारा आंदोलन करने का उद्देश्य ये है, एक्चुअल में जिला स्तरीय हो या बड़ा आंदोलन करने का उद्देश्य ये है, हमारा उद्देश्य ये है कि ये घटनाएं बार बार ना हो। इसके पहले भी कुछ घटनाएं हुई हैं जिसपे हमारे 2 लोग, तो एक तो मैं खुद घटनास्थल पर गया था, बहुत सारे आप पत्रकार मित्र भी आप गए थे घटनास्थल पर देखे थे, वो टोटली फर्जी मुठभेड़ था। तो ऐसी घटनाएं बार बार हो रही, मैंने तब भी एसपी साहब को कहा था, तब भी पुलिस प्रशासन को कहा था कि ठीक है आप हमारी सुरक्षा के लिए हैं, जनता की सुरक्षा के लिए हम आपके साथ हैं, लेकिन कोई भी निरीह आदमी इसके आपके इस इनकाउंटर से में मारा नहीं जाना चाहिए, मैंने तब भी कहा था, लेकिन उसके बाद पुनः घटना हुई, तो आगे ऐसी कोई घटना ना घटे तो हमको तो एको के मंच पर आना पड़ेगा। आदिवासी समुदाय का कहना है कि पुलिस की गोलीबारी से मछली मार रहे झाम सिंह की मौत हो गई थी, लेकिन पुलिस इस मौत को अपनी गोली से नहीं बता रही है। आदिवासी समुदाय ने जल, जंगल व जमीन पर अधिकार दिए जाने, वर्षों से जंगल में रहने वाले को पट्टा दिए जाने, विस्थापन के नाम पर हटाए जाने के विरोध, यूपी की हाथरस घटना के दोषियों की सजा दिए जाने सहित 12 सूत्री मांगों का एक मांग पत्र भी सौंपा। इससे पहले भी 2 बार प्रदर्शन कर अपनी मांग ये आदिवासी दोहरा चुके हैं। इस प्रदर्शन को गैर राजनीतिक तौर पर किया गया और साथ ही सरकार की मंशा पर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने नक्सली के नाम पर ग्रामीण झाम सिंह की हत्या की है। सर्व आदिवासी संगठन के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में अधिकतर जिलों पर आदिवासियों पर हो रहे अन्याय, अत्याचार, शोषण और तरह तरह से विस्थापन किए जा रहे हैं, आदिवासियों का उन्मूलन किया जा रहा है, इसको लेकर आदिवासी स्वर समाज संगठन ने प्रदेशव्यापी लोकतांत्रिक जन आंदोलन जिला मुख्यालय बालाघाट में आयोजित किया है। और आज हमने जो ज्ञापन तैयार किया है ये 14 बिंदुओं का ज्ञापन है। पिछले समय जो घटना 6 सितंबर को बाल समुद्र निवासी भाई झाम सिंह ध्रुवे जी की जो हत्या पुलिस ने की,
और पुलिस उस हत्या को लेकर पिछले 15 सितंबर को जिला मुख्यालय में सर्व आदिवासी समाज संगठन ने आंदोलन किया था और उस आंदोलन में 15 दिनों का समय शासन प्रशासन को दिया गया था समाज की ओर से, किंतु आज दिनांक तक पूरा एक माह हो गया लेकिन शासन प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज तक के जो कार्रवाई है वो शून्य है। दूसरी चीज, हमने पीड़ित परिवार की ओर से लिखित थाने में आवेदन प्रस्तुत किया, किंतु आज तक उस आवेदन का भी किसी भी तरीके से उन्होंने FIR दर्ज नहीं किया। दूसरी ओर जो बालाघाट कलेक्टर ने जो मजिस्ट्रेट जांच के आदेश किए, मजिस्ट्रियल जांच में भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी व्यक्ति का बयान नहीं हुआ, न किसी का कोई स्थल निरीक्षण हुआ, यानी वो भी शून्य है। और पिछले जानकारी में आई कि मध्य प्रदेश शासन ने भी SIT की गठन की, लेकिन SIT की भी टीम अभी तक के जांच में नहीं आया, CID जांच वाले अभी तक के नहीं आए हैं। तो इन सब बातों को लेकर दूसरी चीज कि बड़ी संख्या में बालाघाट जिले के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी आदिवासियों के ऊपर में तरह तरह के अत्याचार हो रहे हैं। आदिवासियों के उनके जल जंगल जमीन से बेदखल किया जा रहा है। आदिवासियों के जो खनिज संपदा है उसका गैर आदिवासियों के माध्यम से उसका दोहन किया जा रहा है। और बड़े पैमाने में जो अभी मध्य प्रदेश की सरकार जो है कि मध्य प्रदेश में जो वन क्षेत्र है लगभग 37,400 स्क्वायर क्यूबिक मीटर जो प्राइवेट कंपनियों के हाथ में देने के जो प्रस्ताव बनाई है उसका भी आदिवासी समाज निंदा करता है और उसे तत्काल निरस्त करने की बात करता है। देखिए, हमारा समाज बहुत शांतिपूर्ण समाज है, अभी तक बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हम आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अगर शासन प्रशासन नहीं मांगेगा तो आदिवासी फिर सड़क पे आएगा और बहुत सारे रास्ते हैं, फिर हम उधर आगे बढ़ेंगे। इस फर्जी एनकाउंटर में मरने वाले शख्स की पहचान छत्तीसगढ़ के कवर्धा के रहने वाले झाम सिंह के तौर पर हुई। इसके पहले पुलिस को आशंका थी कि ये नक्सलियों का साथी है। पुलिस ने अपने दावे को सच साबित करने के लिए शव के पास नक्सली सामान भी रख दिया। इस घटना के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का आदिवासी समुदाय सक्रिय हो गया और बड़ी संख्या में बालाघाट पहुंचकर उन्होंने प्रशासन से मुलाकात कर मृतक के परिवार को न्याय दिलाने की बात कही।